वेलकम टू ब्लूक्लीन सॉल्यूशंस। ए स्टेन रिमूवर है, ए ड्राई क्लीनिंग केमिकल्स है, ए कॉम्बो ऑफर्स है, जैसा स्टेन रिमूवर किट है और स्टार्च का कॉम्बो है और फ्रैगनेंस का कॉम्बो है। ये स्टेन रिमूवर का किट ऐसा आएगा एक बॉक्स में, ये पैक्ड बॉक्स रहेगा। इसके अंदर 5 स्टेन रिमूवर रहता है। ये लास्ट में पाई इन वन कॉम्बो जो दिख रहे हैं वो स्टेन रिमूवर का कॉम्बो किट है। इसमें ये 5 स्टेन रिमूवर रहता है, उसके साथ एक हैंड ग्लोव्स फ्री है और एक न्यूट्रलाइजर फ्री है। अब ये स्टेन है, रस्ट का स्टेन है, ब्लू कलर का क्लॉथ के ऊपर रस्ट का स्टेन है। तो इसको ये रस्ट बहुत पूरा तो नहीं, इसको देख सकते हैं आप, ये बहुत पतला क्लॉथ है। इस स्टेन को अभी निकल के देखेंगे हमारा इसी रस्ट रिमूवर किस तरह से काम करता है इसके ऊपर। ये रस्ट स्टेन है, बीसी रस्ट स्टेन रिमूवर बोल के आता है, बीसी रस्ट स्टेन रिमूवर, बीसीआरएस बोलते हैं, बीसीआरएस, बीसी केयर प्रोडक्ट का बीसीआरएस, बीसी रस्ट स्टेन रिमूवर। ऊपर आपको ढक्कन के ऊपर आपको सिंबल रहता है हैंड ग्लोव्स का, देख सकते हैं। कंपल्सरी हैंड ग्लोव्स लगाना है, विदाउट हैंड ग्लोव्स टच नहीं करना है। ये हार्ड ब्रश यूज़ करना ही करना है, स्मूथ ब्रश यूज़ कर, ब्रश यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं। जैसा आप जब आप बीसीआरएस यूज़ कर रहे हैं, आप ड्रॉप ड्रॉप उसके ऊपर डाल देना है, स्टेन रिमूव जहाँ पे भी स्टेन है उसके ऊपर ड्रॉप एक होल करना है एक पिन से इनर को। आप देख सकते डालते ही वो स्टेन रिमूव होते जा रहे हैं, डालते ही वो स्टेन रिमूव होते जा रहे हैं, इमीडिएटली रिएक्शन हो रहा है, देख सकते आप चले गया है। ए बी सी आर एस है, देख सकते क्लियरली निकल गया पूरा। बी सी आर एस यूज करें हम, बी सी रस्ट स्टेन रिमूवर। पूरा रेस्ट है देख सकते हैं आप, ब्लू कलर है बोल के इसके ऊपर थोड़ा अलग सा कलर दिख रहे हैं। बी सी आर एस और बी सी बी एस यूज करने में से कंपल्स यूज करने के टाइम पे कंपल्सरी ग्लव्स लगाना है, इसलिए हम किट में आपको ग्लव्स फ्री देते हैं। देख सकते हैं ऑलमोस्ट रिमूव है पूरा स्टेन रिमूव है। जहाँ पर भी आपको रस्ट स्टेन दिखता है उसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप डालते चले जाना। इसको पानी में डालेंगे, नॉर्मल पानी में वाश करेंगे, निचोड़ेंगे। इसके बाद हम अभी न्यूट्रलाइजर यूज करना है, बीसी रिंस बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजर। ये पाउडर भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, दोनों फॉर्म में रहता है। आपको लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। पानी लेके पानी के अंदर पाउडर हम मिक्स करें, पाउडर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम अभी, इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसके अंदर इसको वॉशिंग करेंगे ताकि जो भी केमिकल हमने यूज़ किया
वो रिमूव हो जाएगा, ऐसे न्यूट्रलाइज़र किया तो आपका कपड़े से पूरा केमिकल जो यूज किया वो बाहर निकल जाएगा, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको येलोइशनेस अवॉइड करेगा। मतलब कुछ कपड़ा देखा होगा आपने, जैसे रैक में फोल्ड करके रखा होगा, एक महीना दो महीने के बाद वो येलो हो जाता है, नहीं तो एक 15-20 दिन के बाद येलो हो जाता है। वो किस लिए होता है कि आपको उसके अंदर डिटर्जेंट या जो भी हम केमिकल यूज़ किया वो रह जाता है, वो ऑक्सीजन साथ रिएक्शन होके वो येलोइश होता है, इसलिए हम न्यूट्रलाइजर किया तो वो अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।